18 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गढ़ मंदिर पर भगवान श्री राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर सहित परिसर के सभी मंदिर पर रात 12 बजे राम नाम के गजर के साथ आतिशबाजी की गई। राम मंदिर पर आकर्षक बिजली की सजावट की गई। यह बिजली की रोशनाएं 20 किलोमीटर तक दिखाई दे रही थी। यह सजावट रामगिरी सेवा समिति की ओर से की गई। पिछले 41 वर्षों से रामगिरी सेवा समिति की ओर से बिजली की सजावट की जाती है। खास बात यह है कि रामटेक तीर्थ स्थल पर परंपरा के अनुसार कार्तिक माह बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरी पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। लोक कथाओं के अनुसार राक्षस त्रिपुरासुर ने देवताओं और ऋषियों को बहुत कष्ट दिया था, इसलिए भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। इस यात्रा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व विदर्भ के लोग सम्मिलित होते थे, परंतु इस साल कोरोना संक्रमण के चलते जिलाधिकारी के आदेश के तहत गढ़ मंदिर समिति श्रद्धालु के दर्शन के लिए बंद रखा गया है। इस समय मंदिर रिसीवर व उप विभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते, तहसीलदार बाला साहेब मस्के, थानेदार प्रमोद मकेश्वर आदि की उपस्थिति थी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ललित कनोजे, रामटेक।